सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं आईबीपीए के। सबसे पहला सवाल मेरा सुधाकर देसाई जी आपसे होगा कि जो ऑयल पर, रिफाइंड पाम तेल पर जो ड्यूटी कम की गई है, इसका कितना इम्पैक्ट आप घरेलू बाजार में सप्लाई पर देख रहे हैं और कीमतों पर देख रहे हैं? हाँ जी सचिन जी, थैंक यू। तो एक तो इसमें देखिए, टोटल पाम ऑयल इंपोर्ट तो नहीं रहेंगे, जैसे पहले अगस्त में 1,87,000 ओलिन इंपोर्ट हुआ था, जो रिफाइंड पाम ऑयल है। अगस्त में हुआ था करीब 3,90,000 टन, वो एक्चुअली अक्टूबर नवंबर में खाली 50-60,000 टन ही आ रहा था। इसका कारण बेसिकली यह है कि जब क्रूड पाम ऑयल में ड्यूटी बढ़ाया गया तो ओलिन का जो ड्यूटी 19.25 था, तब डिफरेंशियल 14% हो गया था और इंटरनेशनली पामोलिन का प्राइसेस भी बढ़ गया था, इसीलिए ओलिन का जो इम्पोर्ट है वो कम हो रहा था। तो अभी जो डिफरेंशियल है बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रिफाइंड ऑयल कल का ड्यूटी रिडक्शन के बाद, ये हो गया 5.5। आज के दिन में सीपीओ का भाव है $1,300 एंड ओलिन जो रिफाइंड पामोलिन का भाव है $1,250, मतलब $50 कम, क्योंकि इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन पामोलिन इज लोअर बाय $50। सो इसके वजह से करीब ₹2 का लैंडेड कॉस्ट में फर्क आएगा। जैसे आज के मार्केट अगर ₹112-110 है तो जो लैंडेड कॉस्ट है ओलिन का ₹108 हो जाएगा, तो ₹2 का लैंडेड कॉस्ट में कम आएगा। तो इसके वजह से ओलिन इम्पोर्ट्स, मैं समझता हूँ 1.5 लाख टन ओलिन इम्पोर्ट्स आएगा इंडिया के अंदर। उससे क्या है, बेसिकली थोड़ा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो इंडियन रिफाइनिंग का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो जरूर अफेक्ट होगा, और मार्जिन जो लैंडेड कॉस्ट के बेसिस पे जो मार्जिन है उसमें ₹2 का इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट। तो बेसिकली थर्ड डायमेंशन ये है कि इंटरनेशनली पामोलिन का बढ़ सकता है कि इंडिया 1.5 लाख टन ज्यादा पामोलिन लेगा। अच्छा। तो ये तीन इम्पैक्ट मेरे को दिखता है इसके कारण। ये जो आपने ₹2-₹2.5 लैंडेड कॉस्ट में आपने कहा कि कम होगा, तो अगर ₹2.5 लैंडेड कॉस्ट कम होता है तो मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि कंज्यूमर के लिए तेल सस्ता होगा क्या, क्योंकि 1.5 लाख की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी? और बाकी तेलों की कीमतों पर कोई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होगा क्या इसका? सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो होगा, लेकिन इसके वजह से अब ₹2 एक किलो फर्क पड़ सकता है सेंटिमेंटली, क्योंकि फिनिश गुड्स जब आएंगे इंडिया के अंदर तो इतना बड़ा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इंटरनेशनल पाम ऑयल प्राइसेस भी बढ़ेंगे। अगर इंडिया का डिमांड 50,000-60,000 से 2 लाख टन हो जाएगा सपोज, तो इंटरनेशनली पाम ऑयल प्राइसेस भी बढ़ेंगे, एक्चुअली बढ़ना चाहिए क्योंकि वहां भी कैपेसिटी इतना नहीं है। तो ये तो हमको देखना है कुछ दिन के लिए कि क्या रियली इम्पैक्ट होगा, बट इंडियन इंडस्ट्री के लिए ये थोड़ा इसका इम्पैक्ट ये होगा कि 1.5-2 रुपए प्रति किलो खाने के तेल के दाम घरेलू बाजार में कम हो सकते हैं। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी खबर है, ये राहत की बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज है वो विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि जब रिफाइंड पाम तेल ही इम्पोर्ट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, उनके पास क्या काम बचेगा, और फिर सीपीओ का इम्पोर्ट कम हो जाएगा और रिफाइंड का इम्पोर्ट बढ़ जाएगा तो रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज को नुकसान हो जाएगा, इस पर आपका कमेंट क्या है? हाँ हाँ, तो बिल्कुल क्लियर है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। देखिए, इंडिया का इंपोर्ट रिक्वायरमेंट है 7 लाख टन पर महीना एवरेज में, ठीक है? तो अभी 6,50,000 टन सीपीओ आ रहा था क्रूड पाम ऑयल, 50,000 टन आ रहा था रिफाइंड ऑयल। ये पर्टिकुलर कल का जो डिसीजन है उसकी वजह से क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से करीब करीब 5 लाख टन क्रूड पाम ऑयल आ जाएगा, 2 लाख टन रिफाइंड तेल आ जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब है पहले तो इधर का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो उतना कम हो जाएगा, उतना प्रोपोर्शनेटली उतना कम हो जाएगा। और दूसरी ₹2 किलो है इंडस्ट्री जो सीपीओ रिफाइनिंग इंडस्ट्री जो है ना, तो उनका मार्जिन थोड़ा और प्रेशर में आएंगे आज के दिन में, क्योंकि थर्ड रीजन ये है कि आपको मालूम भी होगा इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट ड्यूटी कम है, तो आज के दिन में आप खरीद सकते हो
क्रूड पाम ऑयल $1300 में और आप खरीद सकते हो कि रिफाइंड पाम ऑयल $1250 में, ठीक है, $50 सस्ते में आप रिफाइंड ऑयल खरीदेंगे तो उसका लैंडेड कॉस्ट इंपैक्ट भले ₹2 पर किलो है, लेकिन आप इंडस्ट्री को एक पैकिंग की तरह देख के आपको रिफाइंड ऑयल मंगाने में ज्यादा सस्ता पड़ेगा, बट कंज्यूमर का बात में देखते हुए ये मार्च तक तो गवर्नमेंट ये चाहता है कि ज्यादा ₹2-3 सस्ता भी अगर हो जाए तो अच्छा ही है कंज्यूमर के लिए, तो इसीलिए ये कदम उठाया गया है। ओके और ओके। तो ये मार्च तक इंडस्ट्री को तो थोड़ा बहुत तो इंडस्ट्री कोऑपरेट कर सकती है, मान लीजिए कि अगर कंज्यूमर के हितों का ध्यान रखना है तो इसमें दिक्कत क्या है, क्योंकि 5 लाख टन आप कह रहे हैं कि तब भी सीपीओ का इम्पोर्ट तो होगा ही। हाँ, काम थोड़ा कम हो जाएगा रिफाइनिंग का, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा झटका लग जाएगा, बंद हो जाएगा कारोबार, ऐसा तो नहीं है ना सर देसाई जी? ऐसा तो नहीं है। तो मार्च तक इंडस्ट्री को इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपने आप क्रूड पाम ऑयल को कम करके इसी तरह मैनेज करना पड़ेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब IVPH चैनल।